अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ जहाँ भी होंगे वो खैर वाफियत होंगे। आपको जुम्मतुल मुबारक का ये दिन मुबारक हो, ज़िलहज का चांद भी आपको मुबारक हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको ये दिखा सकें कि हम किन किन लोगों को ये जो है राशन दे रहे हैं और उनकी अपने क्या कहानियाँ हैं, उनके अपने क्या मसाइल हैं। मैं इस वीडियो के तवज्जो से आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं उनकी हमसे क्या तवक्कोआत हैं और वो अपने घरों में किन मसाइल का शिकार है और क्या वो वजह है कि जिसकी वजह से हम उनको ये राशन जो है वो दे रहे हैं। सबसे पहले आज एक बच्चा है हमारे पास, एक फैमिली है, मैं इसका थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगा। कहाँ पर रहते बेटा? बदर कॉलोनी में। अच्छा, आपको थोड़ा सा ना ऊँचा बोलना पड़ेगा ताकि लोग आपको सुन सके। अच्छा, बदर कॉलोनी में आप रहते हो, कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट फ्लू का स्कूल में पढ़ते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके जो हैं पेरेंट्स वालिद हैं आपकी, बहुत हो गए हैं, कितना अर्सा हो गया? 8-9 या 9 साल हो गए। और मामा को? मामा को तो बेटा आपने पूछा हो। अच्छा, तो अब आप कहाँ रह रहे हो? किसके पास रहते हैं? पापा, जिसको आप पापा कह रहे हो वो कौन है? हाँ जी, चाचू। चाचू है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अंकल जी एक बार आप इधर आके बैठिएगा। ये अमानत अली साहब है इनका नाम, और ये इन बच्चों की कफालत कर रहे हैं जो इनके भतीजे हैं। अच्छा, एक बेटी भी और एक बेटी, बेटी बड़ी है और एक ही बेटा। अमानत अली साहब खुद भी एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हैं। इनकी उम्र भी मेरा ख्याल कितनी उम्र है तक? 50 साल से इनकी अपनी उम्र है और कच्चा पक्का सा इनका सा घर है। इनकी अपनी औलाद नहीं है और ये अपने इन बच्चों को औलाद की तरह पाल रहे हैं। मैं एक बार बच्चे से पूछना चाहूँगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। बेटा आपका आगे क्या लगता है कि आप आगे क्या बनोगे? तो ख्वाब है आपका जिंदगी में क्या? एयरफोर्स में जाना। परेशान क्यों हो गए? अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको भी अंकल जी जजाए खैर दे जो इन बच्चों के सर पे हाथ रखा है और इन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी ये तीन बच्चे होते हैं अल्लाह ताला उनकी उनके ऊपर हमेशा अपना एक साहिबान रखता है। और मेरा ये मानना है कि जो यतीम बच्चे होते हैं उनके ऊपर अल्लाह एक ख़ास रहमत रखता है। मैं खुद भी यतीम था और मेरे 11 साल उम्र थी जब मेरे वाले साहब भी यतीम हुए, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बेहतर से अंदाज़ा है कि जो है वो यतीमी वो क्या चीज़ होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनको अमानत अली जैसा साहिबान मिल गया जो उनकी परवरिश कर रहा है और बहुत अच्छी कर रहा है। अल्लाह ताला अमानत अली साहब को ज़िंदगी दे और उन बच्चों को इनका फरमाबरदार बनाए और इस काबिल बनाए कि ये बच्चे अपने इस बाप नुमा जो चाचा जी हैं उनकी खिदमत कर सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आसानियाँ दे, और अगर इस फैमिली के लिए कुछ हो सकता हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। आप इनकी मदद खुद भी कर सकते हैं और हमारे ज़रिए भी करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। हमारे से रब्ता करने के लिए हमारा नंबर 0322-660-2956, और आप अपने तैयार जायज़ कैश इजी पैसा मीज़ान बैंक के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं और हमारा नुमाइंदा आपके घर या आपकी बताई हुई जगह से भी हमारा डोनेशन कलेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी एक बार फिर आप सबका। अल्लाह हाफिज़।